हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की वीडियो में हम क्लास 12th के मैथ के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट की टॉप 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ये हमारे पास थर्ड सीरीज होने वाली है। फोर्थ सीरीज में मैक्सिमम और मिनिमम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं हमारे पास थर्ड सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, क्या गिवन है? द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है, क्या है एफ एक्स इक्वल में एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस 10 2π/7। ऐसा इंटरवल आपको चूज करना है, कौन सा ऐसा इंटरवल होगा जिसमें हमारे पास फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर लो। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, e की x कॉन्स्टेंट का 0। सो 1 माइनस e की x हमारे पास आ गया। ये फंक्शन सेम आप चाहो तो इजीली फाइंड कर सकते हो, चाहे हिपरी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के को लखो, इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आ जाएंगे। 1 माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू ई की पावर एक्स। 1 हमारे पास कब आएगा, ई की पावर 0 भी तो 1 आता है ना, सो एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0। हमारे पास नंबर लाइन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव 0। इसके मिड पर, इसके मिड में वैल्यू रखकर देखो कहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पर रखना है, एक्स की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा, रखकर देखें। हमारे पास कुछ भी देखो बहुत अच्छे से पता है डेरिवेटिव में वैल्यू रखनी है। एक्स की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर माइनस रखते हैं, ई की वैल्यू माइनस 1। ई की वैल्यू आपको पता है 2 point something होती है, तो जो भी आएगा हमारे पास पॉजिटिव आएगा ना, 1/2 हो जाएगा, तो 0.5 यानी कि हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा इस केस में, यानी कि इंक्रीजिंग यहाँ पर आएगा। इसे भी चेक करके दिखा देता हूँ, प्लस 1 रखकर, प्लस 1 रखेंगे 1 माइनस ई की पावर 1, और ई की वैल्यू 2 point something होती है तो माइनस 1 आएगा, यानी कि हमारे यहाँ पर डिक्रीजिंग आएगा। तो इंक्रीजिंग का उन्होंने पूछा, ये डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इंक्रीजिंग वाला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 0 के मिड में, 0 हमारी वैल्यू आई थी, तो ये वाला इंटरवल होगा हमारे पास। ये देखो आप आराम से, है माइनस इन्फिनिटी और 0 वाला इंटरवल कोई हमारे पास, यस देखो है, ऑप्शन नंबर देखो आप बी ऑप्शन में, माइनस इन्फिनिटी और 0 ऑप्शन, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इजी कॉन्सेप्ट है, ये सब भी कर सकते हैं। आंसर टैली से डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आंसर टैली से, क्योंकि मल्टीपल चॉइस आ रहा है ना, तो उसकी ट्रिक वाली वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब जल्दी इस चैप्टर से रिलेटेड ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट भी, पूरी बुक से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस है सबकी, कि ट्रिक वाले क्वेश्चन भी कैसे हो सकते हैं, मीन्स हम क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे भी उनका आंसर दे सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपनी सीरीज का। फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इक्वल में कोट इनवर्स एक्स प्लस एक्स, एक्स भी गिवन है, इंक्रीज इन द इंटरवल, सेम वही इंटरवल बताना है किस इंटरवल पर इंक्रीज हो रहा है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर लें यहाँ पर हम, कोट इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस का 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसका 1, डेरिवेटिव को 0 के को लगते हैं, ठीक है, माइनस वाला जाकर प्लस का हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट इजीली फाइंड होने वाले हैं, सी 0 हो जाएगा, सो एक्स की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। चेक करें सेम वही वाला प्रोसेस, माइनस इन्फिनिटिव नंबर लाइन 0 प्लस इन्फिनिटिव, उनके बेड में रखकर चेक कर सकते हैं। फंक्शन क्या बताना है, इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पर होगा, डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये रहा, इसकी वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पर, माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 रखेंगे तो फंक्शन में हमारे पास क्या आने वाला है, माइनस 1 रखकर देखो आप, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, कुछ भी रखेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 1/2, मतलब प्लस का 1/2, मतलब फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आई लिख दूँ i4 इंक्रीज, ध्यान रखना है। अब रखते हैं हम प्लस 1, प्लस 1 रखेंगे तब भी स्क्वायर आएगा, तब भी प्लस का आएगा, यानी कि फंक्शन पूरे पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मिड में पूरे पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन देखो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आ रहा है ना फंडा। इनकी डिटेल वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12th की मैथ की डिटेल वीडियो की एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं ना, और वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं क्लियर होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैंने आपको जरूर आपके क्वेश्चन नंबर 3rd में देखते हैं। 3rd में हमारे पास क्या गिवन है, सेम ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर फंक्शन गिवन है एक्स की पावर एक्स। आपको बहुत अच्छी से छोटी चीज पता होगी, एफ एक्स को हम वाई बोल सकते हैं, जहां पर हमारे पास फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, ऐसे केस में वी विल हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड, यस वी कैन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो एक्स की पावर एक्स है ना, तो एक्स हमारे पास आगे आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव बहुत ज्यादा फेमस भी और बहुत इजी भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे हम डीवाई अपॉन डीएक्स करते हैं, सबको पता है कि हमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डीवाई अपॉन डीएक्स को कंफर्म करना पड़ेगा। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y डीवाई अपॉन डीएक्स, आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकते हो, वी डू द डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, देन सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 प्लस लॉग एक्स, यस और नो, यस। डिवाइड वाला चेंज वाई, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, डीवाई अपॉन डीएक्स आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोला है क्वेश्चन में,
बताना है फंक्शन डिक्रीज होता है, तो फंक्शन डिक्रीज कहां पर होगा, जब हाँ, जहां पर मेरे पास डेरिवेटिव डीवाई अपॉन डी एक्स लेस होगा किससे, जीरो से। डीवाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाई वन प्लस लॉग एक्स, यस और नो, लेस देन जीरो, यानी कि वन प्लस लॉग एक्स लेस देन जीरो, प्लस का वन होता जाकर माइनस का वन, ये मेरे पास लॉग का बेस क्या होता है ई, यानी ई की पावर माइनस वन, एक्स, एक्स की वैल्यू वन अपॉन ई से छोटी, सॉरी माइनस है ना, चेंज हो जाएंगे नहीं हमारे पास, एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस वन, तो मेरे पास हो जाएगा एक्स की वैल्यू वन अपॉन ई से छोटी, वन अपॉन ई का ऐसा कोई ऑप्शन होगा हमारे पास, ये देखो सी ऑप्शन देखो, वन अपॉन ई से छोटा और जीरो तक, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, फोर कैसे होने वाला हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन में देखो यहाँ पर भी एक फंक्शन दिया हुआ है, सेम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट हमें उसे डिफरेंशिएट करके पता कर लेंगे कि डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा। और आपको मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, तो देखते हैं फोर में भी हमारे पास एक फंक्शन है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट कर लेंगे, फंक्शन में क्या बोला गया है, टू लॉग एक्स माइनस टू, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, क्या चेक करना है फंक्शन चेक करना है इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कौन से इंटरवल पर इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, इंक्रीज हो रहा है, देखते हैं आराम से, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ एक्स को डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं, वी डू द डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है पता होगा, लॉग एक्स में क्या होता है वन अपॉन एक्स, जिसे एक्स मानेंगे दोबारा करेंगे तो एक्स का वन ही आएगा, वो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, डिफरेंशिएशन तो आपका अच्छा कॉन्सेप्ट होगा ना, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, एक्स का वन, कॉन्स्टेंट का जीरो, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा पहले मल्टीप्लाई इसमें होगी, ठीक है, फिर इसमें होगी, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, सॉल्व करें क्या आएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास, ये आएगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस फोर एक्स, ये भी फोर एक्स, ये एट, डिनोमिनेटर बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एट एक्स, ये माइनस का सिक्स, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लेते, माइनस का टू कॉमन आ रहा है, माइनस का टू कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का सिक्स, ये हमारे पास सेम आया ना, इसके फैक्टर क्या आएंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, टू कॉमन ले लेते थ्री बचेगा ना, मल्टीप्लाई करने पर थ्री आना चाहिए, ऐड करने पर फोर आना चाहिए, थ्री बन जाए थ्री से हमारे पास फैक्टर इजीली हो गए, सो क्या क्या हुए, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस थ्री, यस और नो, अब हमें यहां से देख लेना फंक्शन हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास फंक्शन डी वाई पॉइंट डी एक्स आ गया, इंक्रीज कर रहा है ना, यानी कि हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए जीरो से, इंक्रीज बोला है ना, यस इंक्रीज बोला है, तो जीरो से ग्रेटर मतलब थ्री से लेस हो जाएंगे, मैं छोटी सी लिख कर दिखाता हूँ, जीरो से ग्रेटर का मतलब हमारे पास ये दोनों कॉन्सेप्ट हो गए, थ्री से ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली बात है वन से भी ग्रेटर हो गया होगा, तो थ्री और टू के मिड में हमारे पास थ्री से ग्रेटर और टू से लेस वाला कोई ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ये देखो बी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल यहीं पर क्लियर हो गया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, आपको मैं बता दूं अच्छे से, अगर कॉन्सेप्ट में कुछ भी बेसिक में डाउट है, एनसीईआरटी बेस में कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो क्लास ट्वेल्थ की मैथ की सेपरेट वीडियो है, वहां से आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर भी सकते हैं ना। सीरीज के फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया, सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, एक हमें फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, सॉरी टू एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस फाइव, हमारे पास इंटरवल दिया है वन टू के अंदर, हमें देखना है इस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीज होता है, और बताएं के कहाँ पर लाई करेगा, सारे ऑप्शन है हमारे पास, डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव हमारे पास आएगा फोर एक्स माइनस का के, और इंक्रीज कब होता है फंक्शन, जब जीरो से ग्रेटर आता है, तो ये वैल्यू क्या है मेरे पास, टू एक्स माइनस के ग्रेटर देन जीरो, टू एक्स इधर जाएगा तो ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस के इधर आगे प्लस को जाएगा, तो के हमारे पास कहाँ लाई करेगा ये चेक कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू वन रखेंगे, टू से ग्रेटर टू रखेंगे तो फोर से ग्रेटर, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल वन और टू पे इंक्रीज करता है, ठीक है, ये तो हमने लिख लिया, देन के लाइन एंड इंटरवल, के कौन से इंटरवल पर लाई करता है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम टू के इक्वल भी है ना, हमारे पास क्लोज इंटरवल है, तो टू पुट करेंगे फोर से लेस, और फोर से लेस हमारे पास वैल्यू कहाँ जाती है, फोर से लेस हमारे पास वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जाती है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ये देखो उसको फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का सिक्स क्वेश्चन क्या गया है, सिक्स क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला गया ना, अच्छे क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन को ज्यादा जरूरी है, तो लेंथी करके करें, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, मैंने वो प्रोसेस भी आपको सिर्फ बता रखे हैं, अगर एनसीईआरटी आपने वीडियो देखी हुई एनसीईआरटी वाली वहां से, अगर आप वैसे करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आंसर टेली से करेंगे, ये हमारे पास बोल सकते हैं इजीली हम कर सकते हैं, प्लस में हमारा टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमारे पास फंक्शन दिया है, क्यूबिकल इक्वेशन है, इज मोनोटिकली इंक्रीजिंग, मोनोटिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन से थे पता है ना, वो स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग, डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, फंक्शन की एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन बढ़ेगा तो मोनोटिकली इंक्रीजिंग होगा, एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन घटेगा, डिक्रीज होगा तो हमारे पास मोनोटिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये ठीक है, इसका डेरिवेटिव इंक्रीजिंग बोला है, जीरो से ग्रेटर आना चाहिए,
ऑब्वियस ही बात है, ये रख लेंगे इंक्रीजिंग बोला है ना। यस, ये हमारे पास क्या है, 3x² - 27 ग्रेटर देन 0, 3 कॉमन, 9 x² - 9 ग्रेटर देन 0, x² ये आ जाएगा प्लस माइनस। ऑप्शन है हमारे पास ऐसा कोई है तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ये तो इजी था ना। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 7 क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। 7 क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ एक फंक्शन दिया हुआ है, वो भी क्यूबिकल इक्वेशन वाला है। क्या दिया है, 2x³ - 9x² + 12x + 29 इज मोनोटिकली डिक्रीजिंग। वही तो कॉन्सेप्ट आ गया, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ भी दे दें हम लोग तो। 6x² - 18x + 12 फंक्शन के फैक्टर तो करना आ रहे होंगे ना आपको। 6 कॉमन ले लेंगे, फैक्टराइज करो, हो गए फैक्टर भी कितनी आसानी से, x - 1 x - 2। तो 1 और 2 के मिड में हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शन, यस देखो डी ऑप्शन कितना क्लियर है, ऑप्शन 1 और 2 के मिड में आ रहा है एक्स की वैल्यू, दोनों से पता चल रहा है इजीली। तो अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है 7 का ना। 8th क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि एवरी इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन कौन से होते हैं जो बोल सकते हैं उसके इन्वर्स होते हैं, बोल सकते हैं उल्टे पुल्टे, आपने सुना होगा तो फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक चीज और, कौन से होते हैं मोनोटिकली फंक्शन होते हैं जो हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 8th का। अब देखिए अपनी सीरीज का 9th क्वेश्चन क्या दिया है ना, सीरीज के 9th क्वेश्चन में देखते हैं 9th में हमारे पास क्या बोला है। 9th में हमारे एक फंक्शन दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है, ए की पावर एक्स, उन्होंने बोला है फंक्शन जो इंक्रीजिंग है रियल नंबर्स पर, ठीक है, इफ कब कंडीशन में ए की वैल्यू क्या होगी। तो आसानी से सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं ना, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स लोगे हमें अच्छे से पता है, लेकिन ए की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 0 रख देंगे तो सारा फंक्शन 0 हो जाएगा, वहां पर हमारा इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा क्या आना चाहिए, 0 से ग्रेटर आना चाहिए इंक्रीज के केस में। सो ए की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते, 1 रख लें, 1 पर लॉग 1 0 हो जाएगा, सारा 0 फिर हो जाएगा, तो 1 से ग्रेटर रख लें कुछ भी, 1 से ग्रेटर वाला कोई ऑप्शन, यस देखो डी ऑप्शन है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से ग्रेटर कुछ भी देखेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या फंक्शन है, देखो fx = -x/2 sin x, डिफरेंशिएट करें क्या आएगा, डेरिवेटिव तो आसान है इसका, 1/2 sin x cos x, यस सुनो, किस इंटरवल में डिफाइन है, इसमें -π/3 से +π/3, मतलब -60 से +60 के मिड में। तो कुछ भी वैल्यू रखकर देखते हैं, बताओ क्या रखें, ये -60 है, ये +60 है, -30 भी होगा, 0 भी होगा, +30 भी होगा, रखकर देखते हैं। cos 30 यहाँ पर रखते हैं, cos 30 क्या होता है हमारे पास, √3/2, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, √3 - 1/2, यानी कि √3 की वैल्यू 1.7, यानी कि 0.7321 आएगा, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का कौन सा ऑप्शन है, यस दो का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है ना, यस और नो, आप कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट, अच्छे अच्छे टॉपिक की वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचे।